नमस्कार दोस्तों, छत्तीसगढ़ न्यूज अपडेट में तो इस समय की बड़ी खबर सामने आई है। सरकारी अस्पताल के डॉक्टर्स का कमाल, बुजुर्ग के दिल का सफल इलाज, एक साथ दो विधियों से ब्लॉक नस खोलने का देश में पहला मामला। छत्तीसगढ़ के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल में डॉक्टर्स की टीम ने 72 साल के बुजुर्ग को नई जिंदगी दी है। रायपुर के अम्बेडकर अस्पताल में डॉक्टर स्मिथ श्रीवास्तव और उनकी टीम ने पहली बार एक साथ दो विधियों का प्रयोग करके दिल की ब्लॉक नस को खोलने का बेहद जटिल ऑपरेशन किया है। किसी भी सरकारी अस्पताल में यह अपनी तरह का पहला ऐसा केस है जब डॉक्टर्स ने दो विधियों के जरिए सर्जरी कर मरीज की जान बचाई हो। अस्पताल के एडवांस कार्डियक इंस्टीट्यूट में यह सफल ऑपरेशन किया गया है, जहां बुजुर्ग के दिल की नसों में हुए ब्लॉकेज कैल्सिफाइड को शॉकवेव इंट्रावेस्कुलर लिथोट्रिप्सी से तोड़कर एक साइमर कोरोनरी लेजर एथेरेक्टोमी विधि से भांप बनाकर निकालते हुए सफल एंजियोप्लास्टी की गई। इस केस को लेकर कार्डियोलॉजी विभागाध्यक्ष डॉक्टर स्मिथ श्रीवास्तव ने बताया कि महासमुंद निवासी यह बुजुर्ग जब अस्पताल आया तब दिल मात्र 30% तक काम कर रहा था। दिल के बाएं हिस्से की एक नंबर की नस में खून का प्रवाह बंद हो गया था। मरीज की केस हिस्ट्री और ज्यादा उम्र को देखते हुए ये फैसला लिया कि नस में जमे हुए कैल्शियम को पहले लिथोट्रिप्सी से और उसके बाद लेजर विधि से तोड़कर एंजियोप्लास्टी करेंगे। इससे पहले एसीआई में वर्ष 2019 में पहले एक्साइमर कोरोनरी लेजर एथेरेक्टोमी की गई थी। उसके साथ ही पहला इंट्रावेस्कुलर लिथोट्रिप्सी भी यहीं किया गया था, लेकिन इन दोनों विधियों को एक साथ प्रयोग करके पहली बार किसी मरीज के दिल की नसों के ब्लॉकेज को खोला। ये ब्लॉकेज इतना कठोर हो चुका था कि एंजियोप्लास्टी करने वाले वायर तार के अलावा कुछ भी आगे नहीं जा रहा था। डॉक्टर स्मिथ ने बताया कि दिल की नस में कैल्शियम रूपी चट्टान को तोड़ने की प्रक्रिया ठीक वैसी ही थी जैसे कि किसी सुरंग में डायनामाइट लगाकर चट्टान को तोड़ते हुए अंदर रास्ता बनाकर प्रवेश किया जाता है। डॉक्टर्स ने 10-10 सेकंड के 8 इंट्रावेस्कुलर लिथोट्रिप्सी शॉक वेव के जरिए चट्टान को तोड़ते हुए उसको एक साइमल लेजर तरंग दैर्ध्य के माध्यम से भांप बनाकर निकाल दिया और मरीज की सफल एंजियोप्लास्टी की। मरीज उपचार के बाद स्वस्थ है। डॉक्टर स्मिथ के नेतृत्व में हुई इस सर्जरी में अस्पताल के ही डॉक्टर जोगेश, डॉक्टर प्रतीक गुप्ता, डॉक्टर ध्वनील पटेल और डॉक्टर रजत दीप सिंह के अलावा नर्सिंग स्टाफ और पूरी टीम की मेहनत से यह सर्जरी सफल हुई है।